Hello everyone, welcome to Chirag's Laravel tutorials. In this video we are going to learn create CAD web app in PHP Laravel 10 with MySQL. So hum log is video mein sikhenge ki jo CAD operation hota hai create, read, update and delete usko hum log Laravel 10 ke sath and MySQL database ke sath kaise hum log banayenge. To sabse kuch steps hai, step by step chalte hain hum log. पहला स्टेप हम लोग देखते हैं कि हम लोग लारावेल प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं. सेकंड हम लोग कंट्रोल एंड मॉडल बनाते हैं क्योंकि ये एमवीसी फॉर्मेट में है. सो एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, तो मॉडल व्यू कंट्रोलर में ये हम लोग इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं. तो इन प्रीवियस वीडियो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि लारावेल इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फिग्रेशन कैसे करते हैं जो हमारा विंडोज सिस्टम में काम करे. तो ये चीज देख लिए, आज हम लोग चलते हैं लारावेल का प्रोजेक्ट बनाते हैं. तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं सीएमडी. एंड सीएमडी ओपन करने के बाद हम लोग कोई फोल्डर में चलते हैं, जो या तो फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जो हमारे लिए हम इसी फोल्डर में रखने की कोशिश. तो मेरा एक फोल्डर बना हुआ है चिराग लारावेल ट्यूटोरियल्स, तो इस फोल्डर के अंदर चलते हैं. देन हम लोग क्रिएट प्रोजेक्ट का कोड लिखते हैं. तो हमारा क्रिएट प्रोजेक्ट का कोड होता है कंपोजर. कंपोजर इंस्टॉलेशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं. सो यहाँ पर हम लोग कंपोजर देखते हैं. कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट देन प्रिफर टेस्ट, हम लोग जो पैकेज का वर्जन कंट्रोल यूज कर लेते हैं लारावेल स्लैश लारावेल. देन हम लोग का प्रोजेक्ट नेम, तो प्रोजेक्ट नेम हम लोगों ने रखा है लारावेल 10 कट हिंद. लारावेल 10 इंटर क्लिक करते हैं. तो ये लारावेल क्रिएटिंग प्रोजेक्ट लारावेल एंड इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गया हमारा. यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट किया. प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग कंट्रोलर मॉडल क्रिएट करते हैं, उस फोल्डर के अंदर जाना है, ये जरूरी है. उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये हम लोग का कंट्रोलर है, ये मैक है मॉडल, ये मॉडल है. कंट्रोलर का नाम है स्टूडेंट कंट्रोलर, मॉडल का नाम है स्टूडेंट. एंड व्यू पेजेस, ये सब व्यू पेजेस हमें चाहिए. एंड उसके बाद हमें यहाँ रिसोर्स यूज कर रहे हैं, तो रिसोर्स हमें स्टोर, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब का हमें पेजेस बना के वो फंक्शन बना के वो हमें दे देता है. तो इनिशियल फंक्शन वो हमारा मिल जाता है. कुछ मिनट लगेगा ये इंस्टॉल होने में. तो लारावेल क्वाइट इजी फ्रेमवर्क है, हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं. और ये एमवीसी फॉर्मेट में बना हुआ है, तो हमारा जो मॉडल व्यू कंट्रोलर है वो हमारे इसमें काम करेगा.
सा नियर अबाउट टू कंप्लीट है। ओके तो इंस्टॉलेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फोल्डर के अंदर चलते हैं। सीडी हम लोगों ने बनाया था लारावेल 10 कर्ट HIM। तो इस फोल्डर के अंदर हम लोग चलते हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम लोग का लारावेल का वर्जन क्या है। तो हम लोग चेक कर सकते हैं PHP आर्टिसन 10 माइनस, तो हम लोग यूज कर रहे हैं 10.9.0। एंड उसके बाद हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं विजुअल कोड में। तो कोड स्पेस डॉट में क्लिक करते हैं तो हमारे विजुअल कोड में ओपन हो जाता है हमारा प्रोजेक्ट जो है VS कोड में ओपन हो गया। हम लोग चेक कर लेते हैं सब फोल्डर स्ट्रक्चर सब कुछ सही है, सब कुछ हमारा अवेलेबल है इसमें। देन सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का आता है, हम लोग डेटाबेस कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर .env फाइल है उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमारा आता है डेटाबेस, तो डेटाबेस MySQL यूज कर रहे हैं। अगर आप MySQL अलग से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल कर सकते हैं। हम जेम का यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें एक्सेस हमें आसानी से मिल जाता है जेम से, तो हम वो यूज कर रहे हैं। हम लोग डेटाबेस का नाम हम लोग देते हैं प्रोजेक्ट का नाम से लारावेल 10 CRUTHIL इस नाम से देते हैं। अगर आप चाहें तो आप डेटाबेस बना सकते हो, और अगर जेम्प आपने इंस्टॉल किया तो डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं हम कोड से। तो हमारा डेटाबेस ओपन हो गया। डेटाबेस में देखिए हम लोग का लारावेल 10 कार्ड HIM हम लोग का डेटाबेस नहीं है। अगर चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज वो एक्सेस मांगेगा हमें बनाने के लिए। तो सेकेंड काम है हमारा पासवर्ड कुछ नहीं है तो हम इसे लीव कर देते हैं ऐसे ही। तो हमारा ये रूट हो गया, ये 3306 हमारा पोर्ट नंबर, जो MySQL का डिटेल हम लोगों ने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अच्छा देन इसको क्लोज करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो मॉडल है और कंट्रोलर है उसे हम लोग चलिए बना लेते हैं। तो मॉडल एंड कंट्रोल बनाने का जो कोड है, कंपोजर मैक कॉलन मॉडल मैक कॉलन कंट्रोलर स्टूडेंट कंट्रोलर इस तरह होता है। तो हम लोग यहाँ पर ओपन कर लिए हैं हम लोगों ने। यहाँ पर चलते हैं हम लोग टर्मिनल में, गो यहाँ पर होगा टर्मिनल, टर्मिनल देन न्यू टर्मिनल, टर्मिनल ओपन होने देते हैं। तो नीचे में हम लोग का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। टर्मिनल ओपन हो गया ना, हम लोग रन करते हैं PHP आर्टिसन विथ रिसोर्स। हम लोग यहाँ पर कंट्रोलर बनाते हैं रिसोर्स के साथ, PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर स्टूडेंट रिसोर्स इंटर करते हैं। हम अब देखते हैं कि हमारा ऐप के अंदर HTTP के अंदर हमारा कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर हम लोग का बन जाएगा, स्टूडेंट कंट्रोलर बना। मीनवाइल जो कंट्रोलर में है, कंट्रोलर में कुछ फंक्शन बने जस्ट लाइक इंडेक्स, जहाँ हम लोग डिस्प्ले लिस्ट ऑफ द रिसोर्स पूरा लिस्ट हम लोग दिखा सकते हैं। दूसरा है क्रिएट, जहाँ हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, ये हम लोग स्टोर करने के लिए है, डेटा शो करने के लिए, एडिट करने के लिए, अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं PHP आर्टिसन मैक मॉडल एंड स्टूडेंट -m माइग्रेशन होता है, जो माइग्रेशन टेबल बनाएगा लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने 1 2 3 4 टेबल्स हैं एंड हमारे पास मॉडल स्टूडेंट का मॉडल नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग इसको रन करते हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम का क्रिएट स्टूडेंट का टेबल बन गया, और यहाँ पर मॉडल्स में भी देखते हैं हम लोग स्टूडेंट का मॉडल बन गया। चलिए अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं।
तो जब हम लोगों ने मॉडल बना लिया तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए मॉडल में हम लोग जो डेटा इंसर्ट करेंगे उसको लिख लेते हैं। तो ये कंट्रोलर में चलते हैं, इंडेक्स माइग्रेशन टेबल में हम चेंजेस कर लेते हैं। टेबल यहाँ पर डालते हैं, चलिए बिगिन इंक्रीमेंट्स हम लोग पास करते हैं आईडी। पर चलिए स्ट्रिंग स्ट्रिंग देन यहाँ पर पास करते हैं, चलिए फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो ये हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एंड पासवर्ड देन मोबाइल देन एड्रेस, इतना फील्ड को हम रख लेते हैं। तो ये फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम ईमेल ईमेल हो गया, देन पासवर्ड ईमेल पासवर्ड मोबाइल एंड लास्ट में हम लोग एड्रेस, इतना फील्ड को हम लोगों ने पास किया। जब यहाँ यहाँ दो फंक्शन डिफाइन है, एक अप एंड एक डाउन। तो अप फंक्शन क्या करता है, अप अलाउ टू क्रिएट अपडेट टेबल्स कॉलम और इंडेक्सेस, जो हम लोग का यहाँ चेंजेस करेंगे कॉलम इंडेक्सेस जो भी चेंज करेंगे उसको हम लोग अलाउ करेगा। डाउन क्या करेगा, रिवर्स द माइग्रेशन, जो भी रिवर्स हो गया जैसे स्टूडेंट का टेबल यहाँ पर हम लोग क्रिएट किए उसको ये डिलीट करेगा। तो इसका काम ये हो गया। अब यहाँ पर जब हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया तो इसे हम लोग मॉडल में भी डिफाइन कर लेते हैं। तो हम लोग मॉडल में चलते हैं, मॉडल स्टूडेंट मॉडल, यहाँ पर प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड देन एक वेरिएबल बनाते हैं फिलेबल, हम लोग का फर्स्ट अंडरस्कोर नेम ईमेल देन पासवर्ड मोबाइल पासवर्ड मोबाइल देन एडमिन एड्रेस, बाकी चीजों को डालते हैं। तो ये हम लोग का ये पेज बन गया। हम लोगों ने यहाँ मेनली दो काम किए, एक काम हम लोग कंट्रोलर बनाए, कंट्रोलर बनाने के बाद मॉडल बनाए एंड मॉडल मॉडल बनाए, मॉडल में माइनस एम, कंट्रोलर में माइनस रिसोर्स हम लोगों ने डाला था। तो यहाँ हम लोगों ने कंट्रोलर में ये सब सॉरी क्रिएट ये माइग्रेशन में हम लोगों ने ये सब डिफाइन किया, और ये जहाँ जो भी चीज़ डिफाइन किया सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ मॉडल में बनाए। देन अगला काम हम लोग का आता है, अब हम लोग कंट्रोलर में काम करेंगे। हम लोगों ने टेबल बना लिया, ये कर लिया, अब हम लोग माइग्रेशन को रन कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम लोग जो टेबल बनाए हैं वो हमें विजिबल होगा। आर्टिसन माइग्रेट, तो माइग्रेट पे जैसे हमने ये किया तो ये हमें पूछेगा कि ये इस नाम का हमारे पास डेटाबेस है कि नहीं। तो ये लाइक टू क्रिएट इट, तो अगर डेटाबेस आप लोगों ने बना लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाया तो हम लोग यस करेंगे तो हमारा डेटाबेस बनेगा। जितना भी टेबल्स है उसका टेबल्स का डेटा यहाँ पर इंसर्ट होगा। पहले हम लोगों ने डेटाबेस यहाँ पर बन जाएगा, पहले बनने देते हैं, देन हम लोगों ने चेक करते हैं बन गया। अब इसको रिलोड करते हैं, रिलोड करने के बाद हमारा डेटाबेस बन गया। डेटाबेस में ये सारे कॉलम्स सॉरी ये सारे टेबल्स हमारे बन गए। स्टूडेंट का टेबल हम लोगों ने मेनली बनाया है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में चलते हैं,
तो स्ट्रक्चर में जाने के बाद हम लोग देखते हैं डेटाबेस आईडी बन गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल एड्रेस एंड क्रिएटेड एंड अपडेटेड। यहाँ दो फील्ड नया हम लोगों का बना है, तो ये दोनों फील्ड हम लोग का जो बना है, ये फील्ड बनता है आपका माइग्रेशन टेबल। अगर हम लोग देखते हैं तो माइग्रेशन में यह टाइम स्टाम्प है, तो सॉरी वो दोनों कॉलम, तो माइग्रेशन में जो टाइम स्टाम्प है तो वो हमें वो दोनों दोनों कॉलम बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, देन एक बार रन करके हम लोग देख लेते हैं हमारा रन कर रहा है कि नहीं। पीएचपी आर्टिसन सर हम लोगों ने रन किया, ये हमारा पाथ हो गया। उस पाथ में एक बार देख लेते हैं, तो हमारा लारावेल रन कर रहा है, ये लारावेल का डिफॉल्ट पेज है, लारावेल 10.9.0 पर रन कर रहा है, पीएचपी हम लोग 8.2.4 पर रन कर रहे हैं। तो हमारा सक्सेसफुली रन है, और एक हम लोग पार्सल ओपन कर लेते हैं और वन बाय वन काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंट्रोलर में, कंट्रोलर ओपन किए, हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो डेटाबेस में डेटा है उसको हम लोग रीड कैसे करें। तो डॉलर डेटा स्टूडेंट, तो हमारे स्टूडेंट कंट्रोलर यहाँ ऑलरेडी एडिट है, स्टूडेंट डबल कोलन, देन हम लोग गेट फंक्शन को कॉल करते हैं, रिटर्न डॉलर डेटा, हम लोग को जो जो भी रिटर्न कर रहा है उसे हमें यहाँ से देखना है। तो इंडेक्स में हम लोग इसको रन किए, अब देखते हैं कि हमारा रन क्या हो रहा है। हम लोग को डेटा देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली एक डेटा को इंसर्ट करते हैं। चलिए इंसर्ट तो क्या ईमेल फील्ड है, चलिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको चाहे तो हम लोग ले सकते हैं, टेक टाइम ऑटोमेटिक ले लेगा, इसको ले लिए हम लोग यहाँ प्लस। ओके, इससे पहले हमें रूट बनाना पड़ेगा, तो हम लोग रूट पे चलते हैं, रूट पे हम लोग कॉल कर लेते हैं, वेब देने पे रूट बनाते हैं, रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं ना। रन करके देख लेते हैं, HTTPS students not found, तो हम लोग रिसोर्सेस को डिफाइन नहीं किया, तो हम लोग रिसोर्सेस को डिफाइन कर लेते हैं, then source student controller, student controller हम लोग add हो गया, class तो हम लोग रन करके देख लेते हैं। पीएचपी
13 रूट्स इसमें अवेलेबल है, तो रूट्स हमें मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर रन करके देखते हैं, स्टूडेंट्स स्टूडेंट इंडेक्स में हम लोग का स्टूडेंट को रन कर रहा है, वो चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। तो हमारा डेटा आ गया, डेटाबेस से हम लोग डेटा रीड कर गए हमारा डेटा। तो डेटा रीड करने के बाद हम लोग वन बाय वन फंक्शन को राइट करना शुरू करते हैं, जो हमारा कंट्रोलर है उस पर। सो हम लोग कंट्रोलर पे आते हैं, इसको क्लोज करते हैं, देन आता है हम लोग का क्रिएट। क्रिएट में हम लोग पेज को कॉल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न व्यू, देन हम लोग पेज को कॉल करेंगे, जो भी पेज हम लोग का है। हमारा पेज है, हम लोग बनाते हैं क्रिएट नाम पे पेज बनाते हैं। तो ब्लैक पेज, जो ब्लैक टेम्पलेट को यूज करते हुए हम लोग GUI पेजेस बनाते हैं, उसको हम लोग बना लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ ऑलरेडी लिख चुका है कि कौन कौन पेजेस हम लोग बनाएंगे, लेआउट इंडेक्स क्रिएट एंड एडिट। हम लोग कॉपी कर लेते हैं पेजेस के नेम को। सो ये रिसोर्स के अंदर व्यूज में राइट क्लिक है, न्यू फाइल, लेआउट बन गया, इंडेक्स क्रिएट देन हम लोग का पेज है एडिट के लिए, एडिट पेज बनाते हैं। सो हमारा ये सब पेजेस बन गया। तो हमारा क्रिएट पेज बना, सबसे पहले लेआउट का कोडिंग देखते हैं। लेआउट पेज क्या होगा, जब भी हम लोग इसको लैंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेआउट पेज में लैंड करेंगे। हम लोग लेआउट पेज डिजाइन करते हैं, लोग कोडिंग स्टाइल किया, ये हम लोग कुछ नहीं नाम देते हैं। और लेआउट पेज में हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसमें बूटस्ट्रैप को कॉल कर लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप को कॉल करने के लिए हम लोग सिंपली हम लोग गूगल में क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप सर्च करते हैं, गेट बूटस्ट्रैप में जाते हैं, यहाँ CDN ले लेते हैं हम लोग, जो डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग CDN। ये हम लोगों का CSS हो गया, देन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कंटेनर ले लेते हैं, .conTAI कंटेनर के अंदर हम लोग लेआउट के लिए कॉल करते हैं, हम लोग नाम देते हैं कंटेंट। ये हम लोग का लेआउट बन गया। लेआउट के बाद हम लोग क्रिएट वाला पेज बना लेते हैं। इसमें क्या होगा, हम लोग जो डेटा, जो फील्ड हम लोग बनाए हैं डेटाबेस में, कॉलम्स बनाए हैं, उसमें डेटा इंसर्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक्सटेंड्स, यहाँ लेआउट को कॉल करेंगे, सेक्शन बेसिक कोड है हम लोग का। यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे कंटेनर, देन यूज करेंगे MD6 MD6 एंड ऑफसेट 3 हम लोग डिजाइन यूज कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फॉर्म, बाकी जो वेरिएबल है उसको बाद में ऐड कर लेंगे। मेथड इज इक्वल टू
मेथड पे यूज कर लेते हैं हम लोग, देन एक्शन क्या होगा, अगर फॉर्म सबमिट होगा तो किस एक्शन में जाएंगे उसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो एक्शन क्या हो गया हम लोग का, रूट स्टूडेंट डॉट स्टोर, स्टूडेंट डॉट स्टोर हमारा किसको कॉल कर रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट कंट्रोलर में जो हमारा स्टोर है इसको कॉल कर रहे हैं। क्लोज कर लेते हैं, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम देन क्या डालेंगे इसके साथ, क्लास इज इक्वल टू होम कंट्रोल प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर फर्स्ट 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 रन करते हैं, वो देख लेते हैं हमारा पेज आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा पेज किस पे आ रहा है, स्टूडेंट क्रिएट आ गया हम लोग का फर्स्ट नेम डेलीवर फर्स्ट नेम। थोड़ा सा और स्पेस बना लेते हैं, रन करते हैं, एड स्टूडेंट डिटेल फर्स्ट नेम आ गया। सिमिलरली हम लोग अदर फील्ड को बना लेते हैं सिंपल, इसको कॉपी लास्ट नेम, इसको लास्ट नेम का फील्ड बनाएंगे, ईमेल पासवर्ड देन मोबाइल देन एड्रेस ले लेते हैं सबमिट बटन के लिए। अब एक एक चीज को चेंज करते हैं हम लोग, तो ये फर्स्ट नेम हो गया, दूसरा होगा हम लोग का लास्ट नेम, लास्ट नेम थर्ड होगा ईमेल एड्रेस ईमेल एड्रेस डेलीवर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। एंड यहाँ पर हम लोग इसका फील्ड को भी नाम चेंज कर देते हैं पासवर्ड, जो हमारा डॉट डॉट आएगा एंड pwd पासवर्ड। हम लोग चाहे तो सेम नेम लिख रख सकते हैं एज ए कॉलम, तो यहाँ हम लोग डिफरेंस इसलिए लग रहा है, हमें पता चलना चाहिए कौन सा कोड कौन सा पासवर्ड हम लोग कहाँ हम लोग कॉल कर रहे हैं। देन पासवर्ड हो गया, देन यहाँ पर होगा मोबाइल इसको मैक्स लेंथ दे देते हैं, मैक्स लेंथ मैक्स मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 10 एंड मोबाइल एड्रेस एड्रेस और एड्रेस फील्ड को हम लोग चेंज करते हैं, चलिए टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट एरिया लिखते हैं to
होल्डर एड्रेस इतना फील्ड काफी है, देन होम कंट्रोल को यूज कर लेते हैं क्लास को, एंड लास्ट में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग बटन ले लेते हैं। सो बटन टू सबमिट स्मॉल बेस रहे जैसे लिखा रहता है, एंड यहाँ पर नेम सब हो गया। ओके सी आर सब एंट्री क्वेरी हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, सीआरएफ से टोकन इसको कंट्रोल करते हैं, देखते हैं इसको रन करके। सो हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड एंड हम लोग का क्रिएट स्टूडेंट आ गया, सब फील्ड हमारे आ गए। अब इसको हम लोग एक बार व्यू करने के लिए इसको यूज कर लेते हैं हम लोग डिस्प्ले एंड डाई, चेक कर लेते हैं डिस्प्ले एंड डाई में, कंट्रोलर में चलते हैं, मेल का काम हो गया है, कंट्रोलर पर स्टोर स्टोर में हम लोग कॉल कर लेते हैं। सो चेक कर सकते हैं या तो डिस्प्ले एंड डाई कर सकते हैं, तो रिक्वेस्ट तो ये हो गया हम लोग का डिस्प्ले एंड डाई, इसको सबमिट करते हैं। ओके नंबर 32 students फिल करते हैं कुछ भी क्रिएट। सो हमारा जो भी डेटा हम लोग फिल करें वो डेटा हम लोग का डिस्प्ले एंड डाई तक आ रहा है। सो अब क्या काम करना है हमें, जो डेटा हमें गेट हो रहा है, जो डेटा हमें मिल रहा है, इस डेटा को हमें डेटाबेस में इंसर्ट करना है। सो इसे हम कमेंट कर देते हैं और स्टोर में सब डेटा हम लोग ये कर लेते हैं, डेटा डॉलर ऑफ डेटा इज इक्वल टू डॉलर ऑफ रिक्वेस्ट वैलिडेट लगा लेते हैं हम लोग, वैलिडेट होगा प्रोजेक्ट को नेम वाइड वाइड और मैक्स लेंथ हम लोग कुछ डिफाइन कर देते हैं, तो मैक्स मैक्स कर देते हैं 2.5। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे वैलिडेशन कैसे करते हैं, प्रॉपर वैलिडेशन यहाँ पर हम लोग खाली यूज करें अभी टेस्ट करने के लिए, सिंपल टेस्ट। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड देन मोबाइल देन एड्रेस इतना फील्ड हम लोग का है, तो इसको लेते हैं
ईमेल पासवर्ड, यहाँ पर हम कर देते हैं चलिए मोबाइल 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 को हम लोग कर देते हैं रिक्वायर्ड एंड देन हम लोग का आता है मोबाइल के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर एड्रेस एड्रेस को चाहे तो एड्रेस को मैक्स लेंथ को हटा देंगे, बस रिक्वायर्ड को डालेंगे, मैक्स लेंथ इसका नहीं डालेंगे। अब इस डेटा को हमें इंसर्ट करना है, डॉलर स्टूडेंट स्टूडेंट क्रिएट डॉलर डेटा, तो डेटा ऊपर हम लोग एड करें, उस डेटा को इंसर्ट करें, देन हम लोग रिटर्न रिटर्न डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, फिर से इसको भेज देते हैं स्टूडेंट्स डी एन टी एस डी एन टी स्टूडेंट्स वाले पेज पे विथ हम लोग मैसेज के साथ पास करते हैं इसको, तो विथ में यहाँ पर हम लोग करते हैं सक्सेस, जो सक्सेस का मैसेज देना रहता है उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो डेटा सक्सेसफुल, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने व्यू पेज तो यहाँ पर क्रिएट किया है इंडेक्स में, लेकिन इंडेक्स पेज में हम लोग अब पर्टिकुलर पेज में ट्रांसफर करेंगे, अभी तो हम लोग जेसन में डेटा दिखा रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न देन व्यू, और यहाँ पर जो व्यू होगा पेज वो पेज हमारा क्या है इंडेक्स है, इंडेक्स इंडेक्स को कॉल किया हमने। अब इसके बाद यहाँ पर उसको बाइंड करते हैं कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट पर एस टी यू टी एन टी स्टूडेंट स्टूडेंट का हम लोग कॉम्पैक्ट कर दिए। अब यहाँ पर आते हैं इंडेक्स पेज में, तो इंडेक्स पेज हमारा यहाँ पर बना हुआ। अब इंडेक्स पेज में हम लोग जो इंडेक्स का कॉल जो कोड होगा उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्रिएट वाला कोड ले लेते हैं, इतना कोड हमें चाहिए। बेसिक कोड है सब पेजेस में चाहिए, तो एडिट में भी इसको डाल देते हैं। इंडेक्स एडिट क्रिएट हो गया, क्रिएट इंडेक्स एडिट लेआउट हो गया हमारे सभी पेजेस में, तो इंडेक्स पेज में हम शुरू करते हैं उसका डेटा को डिस्प्ले करना। तो सबसे पहले यहाँ जो हम लोग मैसेज लिखे थे अभी, इस मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए हम पहले कोड लिख लेते हैं फिर आगे काम करते हैं। हम लोग चेक करेंगे सेशन स्लैश डॉट गेट यहाँ पर सक्सेस अलर्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले कराने का कोड लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे सेशन ऑफ इसको डिस्प्ले करा दें सेशन ऑफ कोड गेट सक्सेस। अब हम लोग शुरू होता है हम लोग का टेबल, टेबल क्लास टेबल, सबसे पहले टेबल हेड हम लोग बनाते हैं, उसको टी हेड बोलते हैं, टेबल हेड
हम लोग का होता है टी आर होगा टी डी, सो टी डी मल्टीप्लाई होगा आई डी, फर्स्ट नेम ओके टी डी नहीं टी एच होगा, टी डी टी एच दोनों लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं इससे। लास्ट नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम देन ईमेल देन पासवर्ड मोबाइल एड्रेस फिर बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फॉरिच रन करेंगे, करके हम लोग यहाँ डेटा को डिस्प्ले करेंगे। उससे पहले हम लोग फॉर ईच स्टूडेंट, यहाँ कॉम्पैक्ट किसको किए थे, स्टूडेंट को किए थे, आगे हम लोग पहले क्रिएट हाँ स्टूडेंट को किए थे, तो इसको कॉल करेंगे। इसको कॉल करने के बाद एस टी यू एस टी एस टी एस टी डी इस तरह का कॉल करते हैं। चलिए तो इस first underscore name last underscore name first name last name email password by address। अच्छा चीजों को हम लोग ले लिए, अब हमें अगला चाहिए यहाँ edit चेक कर लेते हैं स्टूडेंट पर हम लोग का डेटा आ रहा है कि नहीं। कॉम्पैक्ट वेरिएबल इन स्टूडेंट वेरिएबल सेव नहीं किया है क्या, एस टी यू डी एन टी स्टूडेंट मॉडल स्टूडेंट, तो कंट्रोलर ऑलरेडी है स्टूडेंट, रिटर्न व्यू स्टूडेंट, रिटर्न व्यू स्टूडेंट आते हैं इंडेक्स क्या कॉल किया है स्टूडेंट एस टी डी एरर क्या है हमारा डिफाइन वेरिएबल स्टूडेंट। लोगों ने डॉलर डेटा से ये किया था यूज किया था चेक कर लेते हैं गेट स्टूडेंट इंडेक्स फॉर्म सेव नहीं किया था।
थर्टी फोर स्पोर्ट्स खत्म हो जा रहा है अभी। कर लेते हैं हम लोग तो स्टूडेंट डिटेल्स आ रहा है बट हमारा पास अब तक कोई डेटा नहीं आ रहा है। टेबल ठीक है स्टूडेंट स्टडी आईडी स्टूडेंट स्टडी आईडी तो सही है। Student details. So, हमारा data आ गया। यहाँ पर reason ये था कि एक condition को मैंने बहुत नीचे में सेव किया था तो उसके चलते ये एरर आया था तो इसको ठीक कर लेते हैं। ये हमारा टेबल हो गया, हम लोग का डेटा भी आ गया। अब हमें इसमें ये करना है कि हमें अब एक इंसर्ट करके देखते हैं डेटा हमारा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। इंसर्ट का यहाँ पर हम लोग लिंक भी दे देते हैं। चलिए क्वाइट इजी होगा हमारे लिए इंसर्ट करना। डिजाइनिंग हम लोग बात कर रहे थे एड स्टूडेंट स्टूडेंट स्लैश क्रिएट सॉरी मगर हम लोग कॉल कर रहे हैं कॉल नहीं कर रहे तो हम डेटा इंसर्ट कर लेते हैं हम फिलर यूज कर ले रहे हैं और सबमिटेड पैक करके देख लेते हैं। डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा है लेट मी चेक वन बाय वन। क्रिएट क्रिएट में हम लोग का स्टोर में जा रहा है स्टूडेंट नेम यहाँ पर हम लोग सिमिलर कर लेते हैं बाद हम लोग चेक कर लेंगे। मोबाइल एड्रेस सबमिट इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट नेम इज इक्वल टू सबमिट क्रिएट स्टूडेंट सही है। एरर वाला कोड भी यहाँ डिफाइन कर लेते हैं बेटर रहेगा।
सो यहाँ पर हम लोग एरर को चेक कर लेते हैं इफ एनी एरर है, देन एरर है तो हम लोग डिस्प्ले कर लेते हैं एरर को। डॉट एलर्ट डेंजर, कर लेते हैं। सो अब यहाँ पर एरर को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। सो फॉर ईच एरर्स ऑल then edge error, तो एरर को हमको रीड किया, एरर को डिस्प्ले कराए। और चलिए यूएल लाइक फंक्शन हम लोग यूज कर लेते हैं। मान लीजिए ये फॉर ईच के बाहर होगा यूएल, देन यहाँ पर लाइक प्रॉपर एड स्टूडेंट कंपाइलर क्रिएट मस्ट बी ए नंबर, मोबाइल नंबर हमारा स्टूडेंट में आ गया, बट कुछ एरर है। फर्स्ट नेम अलाउ मास साइन, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, मॉडल में चेक कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट एफ आई आर एस टी फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। सो पर आते हैं कंट्रोलर में कुछ चेक कर लेते हैं, लोगों ने कुछ गलती तो नहीं किया है। फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल एंड एड्रेस, सब सही है। इसे हम लोग ट्राई करते हैं। स्टूडेंट्स में आ रहा है, एड फर्स्ट नेम टू फिलेबल टू द अलाउ मास साइन इन द मॉडल स्टूडेंट में, मॉडल स्टूडेंट में नहीं है, कैसे हो गया स्टूडेंट। Let me run again. That is submit student. Okay, created successfully. So इसी तरह हम लोग डेट इंसर्ट करेंगे। हम लोग और एक इंसर्ट करके टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर, वो नंबर चाहिए, डाल लेते हैं और सबमिट करते हैं। हमारा डेटा डेटा इंसर्ट हो गया। डेटा इंसर्ट होने के बाद अगला हमें बचता है एडिट एंड डिलीट का। तो एडिट एंड डिलीट का हम लोग काम कर लेते हैं। तो हम लोग फिर से आते हैं हमारा इंडेक्स पेज में। यहाँ पर हम लोग एडिट एंड डिलीट के लिए कोड लिखेंगे। सो यहाँ पर हम लोग टेबल में डेटा डिफाइन किए, टेबल से डेटा हम लोग का डेटा आ गया। अब यहाँ एडिट एंड डिलीट का काम करेंगे। तो सबसे पहले स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा एडिट एंड डिलीट का। पहला काम हम लोग करेंगे एडिट के लिए। सो एडिट के लिए पास करेंगे आईडी को और उस पेज में भेजेंगे।
सो एच रेफ इज इक्वल टू रूट ब्रैकेट डबल कोट्स देन टेस्ट देन कॉमा देन यहाँ पास करेंगे हम लोग स्टूडेंट आईडी को। सो आईडी विल बी द यूनिक आईडी हम लोग का प्राइमरी की है, यूनिक की है, तो ये हम लोग का हो गया। अब इसको कोट्स इधर स्टार्ट नहीं करते हम लोग, डबल कोट्स से एंड कर देते हैं। अगर इसको बटन बनाते हैं तो बटन बना लेंगे, बाद में इसको हम लोग देख लेंगे तो बटन कैसे बनाना। देन हम लोग का एडिट वाला काम हो गया, देन डिलीट वाला काम करना है। इसको स्पेस रखने देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिलीट के लिए हम लोग होम होम का कोड लिखेंगे। होम सिमिलर नाम नेम को एक्शन इक्वल टू कोड को डाल देते हैं। यहाँ पर हम लोग को फंक्शन किस फंक्शन को कॉल करना है, इसके लिए हम लोग डिस्ट्रॉय को कॉल करेंगे। यहाँ पर हम लोग एडिट के लिए कॉल किए, इसको हम लोग डिस्ट्रॉय के लिए कॉल करेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रॉय कॉल किए डिस्ट्रॉय के, और यहाँ पर मेथड पास करेंगे, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट एंड CSR टोकन पास करेंगे। उसके साथ हम लोग मेथड में हम लोग पास करेंगे देन एक बटन बनाएंगे, टाइप इज इक्वल टू सबमिट रन एंड चेक। तो इससे पहले हम लोग कंट्रोलर वाला कोडिंग कर लेंगे। तो ये काम क्या करेगा, हमारा है एडिट एंड डिलीट में पास होगा। कंट्रोलर वाला काम कर लेते हैं, तो कंट्रोलर में एडिट में स्टूडेंट स्टूडेंट यहाँ उसके स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाइंड और हेल्प। तो यहाँ पर आईडी को पास करेंगे, जो आईडी हम लोग वहाँ से पास कर रहे हैं उसी आईडी को, उस आईडी से रीड करने के बाद डेटा को हम लोग पास कर देंगे एडिट पेज में। और एडिट पेज में यहाँ पर हम लोग कॉम्पैक्ट करेंगे जो हम लोग रीड कर रहे हैं। तो ये हो गया, ये काम हो गया। अब अपडेट वाला में काम में क्या करेंगे, जैसे फॉर्म फॉर्म में डेटा हम लोग मान लीजिए डेटा आ गया तो डेटा को अपडेट करना है, तो अपडेट में भी सिमिलर काम करेंगे। सो रिक्वेस्ट जो डेटा है डेटा को हम लोग रीड किए, रीड करने के बाद यहाँ पर हम लोग का थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाएगा स्टूडेंट। देन यहाँ पर हम लोग करेंगे वेयर आई डी डॉलर ऑफ आई डी जो हम पास कर रहे हैं जाएगा अपडेट। सो अपडेट हो गया, अपडेट होने के बाद हम लोग सेम पेज में रिटर्न करेंगे डेटा एप्लीकेशन अपडेटेड सक्सेसफुल। तो अपडेट वाला भी कोड हम लोगों ने लिख दिया। अब बचा है हम लोगों का डिस्ट्रॉय वाला कोड। सो डिलीट जो है हम लोग डिलीट करेंगे, जब वहाँ डिलीट कॉल होगा कोड डिलीट पेज का जरूरत नहीं है।
स्टैंड वाला काम कर लेते हैं। स्टूडेंट वेयर एजेंट फेल, जैसे हम लोग डेटा को रीड करेंगे, डेटा रीड करने के बाद उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट फंक्शन में कॉल कर देंगे। डिलीट हो गया, डिलीट करने के बाद हम लोग रिटर्न चलते हैं स्टूडेंट पेज में और ये सक्सेस होगा एंड डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। हमारा अपडेट डिलीट एंड एडिट का काम है, बट हम लोगों ने अभी तक पेज बनाया नहीं है। तो पेज बनाने के लिए हम लोग सिमिलर पेज का यूज कर लेते हैं। पेज ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग चेंजेस करते हैं स्टूडेंट अपडेट स्टूडेंट स्टूडेंट डिटेल पोस्ट स्टूडेंट। यहाँ हम लोग चलिए चेंज करते हैं, क्या क्या चेंजेस चाहिए ये चीज़ पहले समझते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट का जो डिटेल है उसको हमें सबसे पहले रीड करना है, तो रीड करने के लिए उधर से हम लोग रीड कर दिए। रीड करने के लिए एडिट पेज में हम लोग कंपैक्ट कर दिए, असाइन कर दिए। असाइन करने के बाद ये जो मेरा पेज है, इस पेज में यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे अपडेट वाला फंक्शन को। यहाँ पर देखते हैं कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, अपडेट वाला फंक्शन कॉल। अपडेट कॉल करने के बाद हम लोग जितना यहाँ कॉलम्स है तो सिमिलर सब में रखेंगे, लेकिन यहाँ और एक चीज़ है कि हम लोग डेटा को कैसे डालेंगे। तो डेटा को डालने के लिए होता है वैल्यू डॉलर स्टूडेंट एक डेटा हम लोग को मिल गया। यहाँ सबमिट है अपडेट एंड इसके साथ हम लोग मेथड हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मेथड इसको पास करेंगे, रन करके देख लेते हैं हमारा क्या अपडेट हो रहा है स्टूडेंट। सो हमारा एडिट एंड डिलीट आ गया हमारा। सो एडिट में क्लिक करते हैं तो एडिट में आ गया। यहाँ देखते हैं मिसिंग डॉट स्टूडेंट अपडेट रिक्वायर पैरामीटर टू पहले देख लेते हैं एक बार डिलीट हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, एरर को ठीक कर लेंगे हम लोग। डिलीट पर क्लिक करते हैं तो हमारा डिलीट डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली ये हम लोग का काम कर रहे हैं। एडिट में हम लोग का इशू है तो देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप चाहते हैं एडिट, एडिट में हम लोग स्टूडेंट को लिए, स्टूडेंट को कॉम्पैक्ट किए, आईडी हम लोग पास कर रहे हैं, डेटा एडिट कर रहे हैं और एडिट कॉल कर रहे हैं। तो एडिट पेज में आते हैं तो स्टूडेंट डिटेल अपडेट स्टूडेंट अपडेट एंड स्टूडेंट आईडी को भी यहाँ पर हमें एडिट करना है। आईडी यहाँ पर एडिट किए यहाँ पर फर्स्ट नेम को कॉल कर रहे हैं, कहीं हम लोग लिखे हैं क्रॉस चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सही लग रहा है, ऑल पेजेस को हम लोग सेव है और फिक्स करके देखते हैं। ओके हमारा डिटेल आ गया। सो स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट नेम आ गया, बाकी चीज़ों को हमने यहाँ अभी तक हम लोग असाइन नहीं किए, तो बाकी चीज़ों को असाइन कर लेते हैं। यहाँ पर आप इस पेज में आते हैं, हम लोग यहाँ पर जैसे वैल्यू फर्स्ट नेम डाले हैं उसको कॉपी करते हैं। बाकी हम लोग जो पैरामीटर है उसका नाम चेंज कर देंगे, उसके जो हम लोग रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इंटरव्यू एड्रेस एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, इसमें वैल्यू नहीं लगेगा। पासवर्ड मेल लास्ट को चेक करते हैं कि हमारा पूरा डेटा यहाँ पर रीड हो रहा है कि नहीं। पूरा महत्व ईमेल धनिया पासवर्ड धनिया सब चीज़ सब में हम लोग वन वन जोड़ लेते हैं।
अनवन डाल देते हैं, पता चले कि हमारा चेंजेस हो रहा है, तो 10 डेज का ही होगा, तो हम वन डालते हैं इनटू वन, देन अपडेट, अपडेट सक्सेसफुली अपडेटेड, देखिए सब में वन वन हम लोग का आ गया, मतलब हम लोग का एडिट एंड डिलीट हम लोग का है वर्क करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग कर ऑपरेशन जो होता है वो लारावेल 10 के साथ MySQL डेटाबेस का यूज करते हुए हम लोग कैसे करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।